हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोड़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 16 इंच है, चौड़ाई हमारी 12 इंच है। 6 इंच पे हमने मोड़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस हम 10.5 इंच रखेंगे। यहाँ से बॉक्स बना लेंगे और कुछ इस तरह से देखिए हम गले का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम गले का शेप देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। ये जो काट रहे हैं, हम इसे दूसरे कपड़े पर इस पैटर्न को काटेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने दूसरा कपड़ा ले लिया है, आगे से सेम निशान, पीछे से 1 इंच ज़्यादा लेते हुए कपड़े को काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए, ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से फैला लेंगे। उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे, हर जगह से पिन अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने पिन अटैच कर लिया है और अब हम गले की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमारे गले की कटिंग है, उसी तरह से हम सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लगा लिया है। अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने नीचे साइड भी सिलाई लगा लिया है। यहाँ से बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और हर कोने पर हल्का हल्का कट लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पर देखिए, अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, हमने कुछ इस तरह से अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगा लिए हैं। अब हम ये जो पैटर्न काटे हैं, उसे हम तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने एक नेट ले लिया है और इसे देखिए नेट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आगे से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे, फिर हम पलट कर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से पलट कर सिलाई लगा लिया है। इस पैटर्न के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, हम दूसरे पैटर्न को भी तैयार कर लिए हैं और ऊपर से देखिए हम लैस लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लैस लगा लिया है दोनों में। अब हम देखिए अपने गले के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए, हम गले के ऊपर अटैच कर लेना है और अब हम देखिए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर देखिए, हम पहले यहाँ पर एक कपड़ा लिए हैं, इससे हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई 4 इंच थी और 4 इंच चौड़ा भी था। हमने देखिए प्लेट लिया है और इसे बीच सेंटर पर हल्का हल्का प्लेट बैठाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बीच में एक मोती अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने दोनों पीस बना लिया है और इस तरह से देखिए, हम इसे पहले अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे, फिर सिलाई लगाकर पक्का कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ पर देखिए, नीचे का दोनों प्लेट बना लेंगे। तो देखिए, हमने प्लेट बना लिया है और यहाँ पर देखिए, हम ऊपर से एक लैस लगा लेंगे पूरे गले के ऊपर। इस तरह से देखिए लैस लगाएंगे। जिस तरह से हमारे गले की कटिंग है, उसी तरह से लैस भी अटैच करेंगे। ये देखिए, अटैच कर लिया हमने। और ये देखिए, हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा।